दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल में। माय नेम इज जमीर अहमद, पावर्ड बाय STS। दोस्तों, अक्सर हमने ये देखा है जो KTM 67 in 1, ठीक है, जो ऑनलाइन में नहीं चलता है, उनकी बात कर रहा हूं। अक्सर हमने बहुत सारे कंप्लेंट हमने देखा है। क्या होता है, क्या है, थोड़ी कम नॉलेज से आपका पूरा डोंगल खराब हो जाता है। छोटी बिना एक नॉलेज से आपका पूरा डोंगल खराब हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। बाद में आप ढूंढते रहते हो, मेरे को डोंगल चाहिए, मेरे को डोंगल चाहिए, मेरा ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। इसलिए आप सब भाइयों के लिए मैं एक ऐसी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपका डोंगल कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। आप इंटरनेट में चलाओ या बिना इंटरनेट के चलाओ, कभी भी आपका इंटरनेट, जो आपका KTM का जो डोंगल रहता है, KTM 67 इन 1 की बात कर रहा हूं, KTM या PCM ट्यूनर या KTM 2 इन 1 या 3 इन 1, इन सब की बात कर रहा हूं, कभी भी आपका डोंगल ब्लॉक नहीं होगा। या आप इंटरनेट कनेक्ट करो, या वाईफाई कनेक्ट करो, या डायरेक्ट आप सर्वर का कनेक्ट करो, कुछ भी करो, आपका डोंगल ब्लॉक का ऑप्शन पूछेगा ही नहीं, ठीक है। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। थोड़ा आपके कंप्यूटर के अंदर थोड़ी सेटिंग करनी रहती है, वो सेटिंग आप करेंगे तो आपका जो डोंगल रहता है वो ब्लॉक कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नॉलेज आपको चाहिए रहता है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा जितने आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ आप शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिव हो जाएंगे। क्यों, हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तो अच्छे से अच्छे नॉलेज के वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए हमें भी थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आप अपने सिस्टम के अंदर, अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के अंदर आप बिना डोंगल ब्लॉक हुए कैसे आप काम कर सकते हैं। सामने दोस्तों, जब भी आप KTM का जो, देखो इधर KTM का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अभी मैं इसको ओपन करूंगा तो PCM फ्लैश का जो सॉफ्टवेयर रहता है वो ओपन हो गया। इसके अंदर क्या बता रहा है, डू यू वांट टू अपडेट, ठीक है। देखो, अन अपडेट वर्जन वाज फाउंड ऑन द सर्वर, यानी इसका मतलब क्या है, अभी इसका नया अपडेट आया है, आप चाहते हैं डाउनलोड करने के लिए तो यस कीजिए, आपका नया वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। आप यस करेंगे तो आपका जो डोंगल रहता है वो खराब हो जाता है, कभी भी आपको नो करके आपको काम करना रहता है, ठीक है, ऐसा आपको ओपन होगा। तो आपको देखो, ये आपको पूछेगा ही नहीं, जब भी आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तब ये आपको पूछेगा ही नहीं। वो मैं आपको छोटा सा सेटिंग करके बताऊंगा, वो सेटिंग करेंगे तो ये आपको ऑप्शन आएगा ही नहीं, आप आराम से काम कर सकते हैं, कोई भी आपका टेंशन नहीं रहेगा, मेरा जो डोंगल रहता है वो ब्लॉक हो जाएगा या खराब हो जाएगा। तो आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका विंडोज है इधर सबसे नीचे, आप इधर देखो विंडोज में आएंगे, इधर आप सर्च करेंगे विंडोज डिफेंडर फेयरवेल, ठीक है, देख सकते हैं विंडोज डिफेंडर फेयरवेल, इसको आप क्लिक करेंगे, ऐसा आपको इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, देखो आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको इधर जाना है एडवांस सेटिंग में आपको क्लिक करना है, ठीक है। ज्यादा कुछ ऐसा इसके अंदर कोई नहीं रहता है। देखो आपको इधर दिखेगा इनबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल के अंदर जाना है। सबसे पहले इनबाउंड रूल आएगा, दूसरे ऑप्शन पे आएगा आउटबाउंड रूल, ठीक है। आउटबाउंड रूल को आपको क्लिक करना है, और इसके बाद इधर को आपको आना है, इधर आपको आएंगे तो न्यू रूल बोल के रहेगा, न्यू रूल को आपको क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस आपको ओपन होएगा। आपको क्या करना है, प्रोग्राम को आपको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है, नेक्स्ट करना है, और आपको ऑल प्रोग्राम दिस प्रोग्राम पैच में आपको जाना है, ठीक है। और इधर से आपको सेलेक्ट करना है जो आपका KTM का जो फ्लैश रहता है, इसका लोकेशन फाइल आपको बताना रहता है। देखो अभी अपना ये KTM का फ्लैश फाइल है, फ्लैश का जो सॉफ्टवेयर है, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे,
प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इधर इसका जो लोकेशन है, ये लोकेशन को आप कॉपी करेंगे, ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया, ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। हम नेक्स्ट करेंगे। अभी देखो ऐसा कुछ आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको एरर क्लोज कर दो। आप इस ब्राउज में जाओ, ब्राउज में जाओ और आपका सी ड्राइव में जाओ, सी ड्राइव में जाओ और आपका प्रोग्राम फाइल्स x86 में जाओ और इधर आपका KTM PCM फ्लैश जो सॉफ्टवेयर रहता है, PCM फ्लैश को ओपन करो। इधर का जो PCM फ्लैश रहता है इसको आप सेलेक्ट करो। आपका जो लोकेशन है वो इधर आ चुका है, ठीक है। और इसको नेक्स्ट करो और इधर आपको अलाउ द कनेक्शन, अलाउ द कनेक्शन इफ इट इज सिक्योर, ठीक है। ऐसा आपको रहेगा। सबसे नीचे आपको ब्लॉक द कनेक्शन, ब्लॉक द कनेक्शन में आप जाके नेक्स्ट करो, ठीक है। डू मैन प्राइवेट पब्लिक, सबको आप टिक मार्क कर दो। टिक मार्क करने के बाद नेक्स्ट करो। आपको एक कोई भी एक नाम दो। अभी मैं दे देता हूँ PCM फ्लैश, PCM फ्लैश, FLASH फ्लैश, PCM फ्लैश बोल के इधर मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ, लिख दिया हूँ। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट करना है, फिनिश करना है, ठीक है। ये जो मेरा है ये ब्लॉक हो चुका है, देख सकते हैं इधर दिख रहा है आपको PCM फ्लैश ब्लॉक, ठीक है। अभी हम इसको कर देंगे बंद। अभी एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद और एक दोबारा हम एक बार इसको ओपन करेंगे। जो मेरा PCM फ्लैश का जो सॉफ्टवेयर है देख सकते हैं बिना कोई, और एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं ये जो मेरा PCM फ्लैश का जो सॉफ्टवेयर है इसको मैं क्लिक किया, इधर मेरे को अपडेट का पूछेगा ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये ओपन हो जाएगा, वो पूछेगा नहीं तो आप अपडेट नहीं करेंगे, अपडेट आप नहीं करेंगे तो आपका डोंगल खराब नहीं होगा, ठीक है। और एक बार आपको बता देता हूँ, देखो PCM फ्लैश ओपन किया, PCM फ्लैश का सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है बिना कोई एरर के, डायरेक्ट ओपन हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही आप वीडियो आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।